हाय एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थर्ड और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे सारी एक्सरसाइज से, जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मिसलिनियस एक्सरसाइज। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, शो दैट ए आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस बी, ए कुछ कॉन्स्टेंट है, कोई नंबर है, प्लस बी ए, ए हमारा मैट्रिक्स है, होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस वन बी इंटू ए मैट्रिक्स, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। और आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू, और एन क्या है, एक कोई भी नेचुरल नंबर। सो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसे बेसिकली पीएमआई के थ्रू प्रूफ करके दिखाएंगे, जो कि आपने 11th में सीखा होगा ज़रूर। तो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले वन के लिए ये चीज़ प्रूफ करके दिखाते हैं, और फिर अज्यूम करते हैं कि के लिए ये चीज़ ट्रू है, और फिर हम उसे प्रूफ करके दिखाते हैं कि वो के प्लस वन के लिए भी सही है, बाई यूजिंग जो हमने अजम्पशन ली होती है के लिए, उसको लेके हम k प्लस वन के लिए ट्रू करके शो करते हैं। फिर उसी से ये प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वेशन सही है या नहीं, और ये शो हो जाएगी पीएमआई के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट द, ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी, ऐसे स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, सीबीएसई में हर स्टेप की मार्किंग होती है, सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चंस करने हैं सीबीएसई में, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, उसका ध्यान भी रखना ज़रूरी है समझने के साथ साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझ जाते हैं, मैथ्स उन्हें समझ आ जाती है, पर उन्हें लिखना नहीं आता, कैसे प्रेजेंट करें वो नहीं आता। तो ये सब समझने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। सो आप बने रहे, क्वेश्चन ज़रूर करना और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, सो फॉर पी एन, फॉर एन इक्वल्स टू वन, अगर हम एन वन लेते हैं तो एल एच एस क्या हो जाएगा, ये हम एल एच एस है और ये हमारा आर एच एस है, तो एल एच एस विल बी ए आई प्लस बी ए, हमने यहाँ एन को वन माना तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए। अब ऐसे ही हम आर एच एस ले लेते हैं, ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वन ए एन की जगह, प्लस वन ए एन माइनस वन बी ए, सो ये आर एच एस हमारा क्या आ जाएगा, ए आई प्लस ए एन माइनस वन बी ए, ओके सॉरी, यहाँ पे हमें पुट करनी थी वैल्यू, मैंने पुट नहीं करी, तो ए की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ए की पावर ज़ीरो इज़ वन, सो ये बी ए आ गया, सो ए आई प्लस बी ए। तो आप देख सकते हैं एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, सो सॉरी डी एफ ओ, हम यहाँ लिखते हैं डी एफ ओ पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। नाउ अज्यूम दैट, assume that the given statement PN is true for N is equals to K, so PK हमारी क्या हो जाएगी, हमने मान लिया PK will be ए, जहाँ पे भी एन है वहाँ पे हम के पुट कर लेंगे, और हमने अज्यूम कर लिया कि वो उसके लिए वैलिड है, सो ए आई प्लस बी ए की पावर के, ये इसके इक्वल हमने अज्यूम कर रखा है, सो ऑब्वियसली इक्वल होगा। नाउ वी शुड प्रूव दैट
that the given statement is true for n is equals to k plus 1 also. Okay, तो अब हम ये PMI का प्रिंसिपल होता है कि हम अगर 1 के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि 1 के लिए हम शो करके दिखाएंगे कि वो ट्रू है या नहीं, फिर k के लिए अज्यूम करेंगे, देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे k प्लस 1 के लिए वो चीज़ ट्रू करके दिखाएंगे, देन PMI के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, वो स्टेटमेंट के थ्रू ये हम शो करके दिखा देंगे. सो अगर हम लेते हैं पी के, अगर हम k प्लस 1, तो यहाँ हमारा क्या होगा, ये पी के प्लस 1, ये एल एच एस विल गोइंग टू बी लाइक दिस, ए आई प्लस बी ए, एन की जगह क्या रख दिया, के प्लस 1. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी ए के, इसकी पावर्स जो है अलग अलग मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड. तो ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए, ये 1. अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट, इसके लिए ये चीज़ ट्रू है, तो हम ये पुट कर देंगे, इसे 1 ले लेते हैं. सो यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1, हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए आई प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1. सो दिस विल बी, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं रिस्पेक्टिवली, इसको इस पूरे से, सॉरी ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा, ए के प्लस 1 एंड इट विल बी आई स्क्वायर, आइडेंटिटी का स्क्वायर, देन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के आई बी ए, यहाँ पर आइडेंटिटी अकेले है तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए आई इज इक्वल्स टू ए, हम किसी भी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी से, मतलब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है. सो ये आप ध्यान रखें, तो आई लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ए, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो के माइनस 1 प्लस 1, तो के बचेगा, बी ए, अगेन यहाँ आई आएगा, लिखना है आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना, नहीं मैं यहाँ नहीं लिख रही. नेक्स्ट है इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा के ए के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके सो ये है. तो नेक्स्ट स्टेप में आई स्क्वायर, आई स्क्वायर जो है वो आई के इक्वल होता है, और आई आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते. पहले आई लिख दीजिए इसे, फिर ए के बी ए, फिर ये हमारा पूरा आ जाएगा के एज इट इज़ ए स्क्वायर हो जाएगा, देन हम यहाँ पे इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में ए के बी ए कॉमन है, सो टेक इट आउट, इसे कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस के प्लस ये चीज एज इट इज. अब यहाँ देखिए ये किस किस इस फॉर्म में देखिए कितना ये वाला है, ए के प्लस 1 आई, तो यहाँ एन की जगह के प्लस 1 है, यहाँ एन की जगह ये, एन की जगह 1 प्लस के है के प्लस 1, और एन माइनस 1 की जगह के है. सो इतनी इक्वेशन हमारी आ गई. प्रॉब्लम है इसके साथ, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर है, तो अगर हम ए स्क्वायर निकालें, मीन्स ए स्क्वायर विल बी ए मल्टीप्लिकेशन ए, मतलब ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स का, सो हम इसे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी. सो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 0 इंटू 1 0 प्लस 0, सो ये क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स के इक्वल.
तो हम जीरो मैट्रिक्स से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, सो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो क्या बचेगा फाइनली, ए के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन, इसे आगे लिख दिया ए के बी बाई बी इंटू ए। सो ये इस फॉर्म में आ गई। तो द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू देयरफॉर ए आई प्लस पी ए एन इक्वल्स टू। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप पीएमआईसी अगले दो क्वेश्चंस जो हैं वो भी पीएमआईसी होंगे, तो वो करेंगे अभी हम, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो कि पीएमआईसी ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। लेट तीन स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहले क्या करना है, हमें पी एन को लेट गिवन स्टेटमेंट को हमें पी एन मानना है जो कि है, देन उसे वन के लिए ट्रू करके दिखाना है, देन के लिए अज्यूम करना है और उसको यूज़ करके हमें के प्लस वन के लिए ट्रू करके दिखाना है, फिर पी एम आई से वो प्रूव हो जाएगी कि वो स्टेटमेंट सही है। सो ये स्टेप्स होते हैं तीन, आपको ध्यान रखना है और इसमें कैसे लिखना है ये इसका भी ध्यान रखना है। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, देन फॉर एन इक्वल्स टू वन, तो एन इक्वल होगा वन के, तो एल एच तो ये मीन्स क्या आ जाएगा, अगर हम वन पुट करेंगे ए एन की जगह वन, देन ये हो जाएगा थ्री वन माइनस वन, थ्री वन माइनस वन, थ्री की पावर 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 वन माइनस वन, ऐसे ये सारे चलते रहेंगे। सो ये सब क्या हो जाएगा, थ्री की पावर ज़ीरो, और जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो ये हो जाएगा सब वन 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 वन, जो कि ए के इक्वल है, गिवन ही है, इक्वल्स टू ए गिवन। सो हियर पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन। नाउ अज्यूम दैट पी एन is true for n equals to k। अभी हमने assume कर लिया कि k के लिए true है, तो अगर इसके लिए true है तो ये satisfy करेगा, 3 k की power है ना, so ये हमने मान लिया। okay then we shall prove that it is also true for n equals to k plus 1। तो n equals to k plus 1 के लिए हमें true दिखाना है। सो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे LHS ले लीजिए,
तो अगर हमें ट्रू दिखाना है सॉरी, तो हम यहाँ ए के प्लस वन को लेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए के ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर आठ हो जाती है, तो आठ वी पावर को हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं ऐसे। सो यहाँ ए के की वैल्यू ये है, सो पुट इट -3k और a की वैल्यू 1। अब हमें सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप करेंगे क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की। तो यहाँ देखिए 3k-1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 3k। हाँ ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले को करेंगे, इसको इससे, तो प्लस 3k-1, देन नेक्स्ट वाले को करेंगे तो ये भी 3k-1। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीन बार हमारे पास 3k-1 आया, तो ऐसे लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 3 times 3k-1 है। सो सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 3 times 3 into, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन शो कर रहा है 3। ऐसे ही सारे आएंगे क्योंकि सारे सेम है, तो सारे एलिमेंट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, सब ऐसे ही आने वाले हैं। सो ये आ जाएंगे, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होंगी तो 3 1 plus k-1, सो ये फाइनली 1-1 हट जाएगा, तो फाइनली जो आएगा 3k। ऐसे ही ये सब 3k। सो आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई। दस द गिवन स्टेटमेंट is true for n equals to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction the given statement Pn is true, ये true हो गया। So hence ये जो है ये चीज़ ये true हो गई, ये hence Pn जो है स्टेटमेंट ट्रू है और ये ट्रू हो गए फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो कि पीएमआई से ही होगा। सो इसमें दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए, फिर हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो उसकी पावर जब n हो जाएगी तो वो 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, वेयर n is any पॉजिटिव इंटीजर। सो लेट स्टार्ट, पहले हम अज्यूम करेंगे हमेशा की तरह लेट द गिवन स्टेटमेंट VPN then for n equals to 1, अगर n 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, a LHS ले लेते हैं इसे, a1 क्या होगा हमारे पास 1 plus 2 1 minus 4 1, यहाँ हम n की जगह 1 पुट कर देंगे सब जगह,
सो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये माइनस 4 1 माइनस 2 माइनस 1। सो आप ये देख रहे हैं ये a के इक्वल आ गया। फाइनली ये हमारा इसे ऐसे लेने के लिए ये ऐसे हो जाएगा, तो ये a के इक्वल आ गया। दस द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये 1 के लिए सही है। फिर नाउ अज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के के लिए हमने 2 मान लिया, तो ए के क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 के माइनस 4 के 1 माइनस 2 के। देखिए यहाँ तक तो हमें स्टेटमेंट लिखना है, ये सब मेन काम जो आता है k प्लस 1 में हमें प्रूफ करके दिखाना होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने ये अजम्पशन रख दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी शैल प्रूफ दैट द गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर k फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू करके दिखाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, a k प्लस 1 n की जगह, सो हम इसे लिख सकते हैं a k a मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो a k की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस 2 k, यहाँ से ये 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देंगे इसे 1 ले लेते हैं, नहीं ये तो गिवन है तो इसे 1 मान लेते हैं, माइनस 4 k k 1 2 k। सो ए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है a 3 जो कि गिवन है। सो ये जो चीज़ है ये फ्रॉम 1 आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई का प्रोसीजर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली, तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है उसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 4 के, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो माइनस 4 1 प्लस 2 के माइनस 1 माइनस 4 के, ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो ये 3k प्लस 1 माइनस 2k, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस 4k माइनस 1 1 माइनस 2k। सो ये हमें सिंपलीफाई करने पे क्या मिलेगा, 3 प्लस 6k प्लस सॉरी माइनस 4k, ऐसे ये हमें मिलेगा माइनस 4 माइनस 8 के प्लस हो जाएगा, ये प्लस 8 के। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 के प्लस 1 ये क्या था, ये इसका एलिमेंट था, हाँ तो 3k प्लस 1 माइनस 2k, ऐसे ही माइनस 4k माइनस प्लस 2k। अब इसको इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, ये आ जाएगा 3 माइनस 2k और ये आ जाएगा, ये कट जाएगा माइनस 8 के, तो ये माइनस 4 बचेगा, यहाँ k प्लस 3k माइनस 2k k प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस 2k। अब आप यहाँ देखिए क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं
यहाँ पे थ्री, यहाँ पे आपको ध्यान रखना था प्लस थ्री प्लस टू के, ठीक है। अब इसे थोड़ा फॉर्म में लाते हैं के प्लस वन की, ताकि हम देख सकें कंपैरिजन करके हम इसे बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं। सो इसे के की फॉर्म, के प्लस वन की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे वन प्लस टू प्लस टू के, ये माइनस फोर है, इसमें के नहीं है, सो एज इट इज़। और ये यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं माइनस वन माइनस के इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि माइनस टू के है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस के इसको लिख देंगे माइनस वन को हम लिख सकते हैं टू वन माइनस टू, ताकि ये क्या हो जाए, ये टू टू कॉमन हो जाए और ये माइनस के की फॉर्म में आ जाए। आपको इसका ध्यान रखना है, इसको के में हमने इसे क्या किया माइनस वन को वन माइनस टू लिख दिया, ताकि यहाँ टू कॉमन आ जाए यहाँ पे और ये के प्लस वन की फॉर्म में आ जाए। सो इसका आपको ध्यान रखना है। इसे मैं इधर करके दिखा रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है इसलिए आप सिक्वेंस में करना। तो यहाँ वन वन को एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ टू कॉमन ले लेंगे, सो ये के प्लस वन, ये माइनस फोर, ये के प्लस वन ऑलरेडी है, यहाँ वन है, यहाँ माइनस टू कॉमन आ गया, सो ये ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, के प्लस वन बच जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ एन है वहाँ के प्लस वन आ गया, सी एन वन प्लस टू एन, सो यहाँ के प्लस वन, माइनस फोर माइनस फोर, वन सेकेंड फोर के, लुक हियर यहाँ पे के प्लस वन आना चाहिए था, माइनस फोर प्लस एट के, सो यहाँ इसमें देखते हैं, सो ये सेकेंड, ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो वन माइनस, ये माइनस फोर पूरा इससे इंटू होगा और ये माइनस फोर के से, तो माइनस फोर ही आना चाहिए। अकॉर्डिंगली आई थिंक, देखिए देखिए गलती यहाँ हुई है, माइनस ये प्लस फोर के होना चाहिए था। सो आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में क्लियरिटी रखनी होगी पेपर में आपको, और ध्यान से करना होगा। सो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचता, माइनस फोर के, सो यहाँ माइनस फोर कॉमन लेते तो के प्लस वन आएगा। सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन है, और यहाँ वन माइनस टू एन, ये वन माइनस टू के प्लस वन, दस, तो देयरफॉर द गिवन statement is true for n equals to k plus 1, thus pn is true by
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और PMI. हेंस हम कह सकते हैं AN जो है 1 + 2N -4N 1 - 2N के इक्वल है, वेयर N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का और स्टेप्स का. CBSE में ऐसे ही स्टेप्स की मार्किंग होती है, सो आपको ध्यान रखना है हर स्टेप्स का, और स्टेटमेंट भी लिखनी है प्रॉपर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे CBSE. सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो यहाँ जो चीज़ गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इनका ट्रांसपोज क्या होगा, इनके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा. तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये चीज़ क्या है, गिवन. नेक्स्ट चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो हम देखते हैं. तो हमें प्रूफ करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसके लिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. तो ट्रांसपोज हमने लिया, तो हम इसके इंडिविजुअल पे भी लगा सकते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी. सो बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी कोई भी है, लेट से एक्स और वाई ले लेते हैं, क्योंकि ए बी ऑलरेडी है क्वेश्चन में. तो एक्स और वाई का अगर हम सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो उसके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सब्ट्रैक्शन के इक्वल है, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है. सो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज. नेक्स्ट, ठीक है, ये इसके इंडिविजुअल है, सॉरी ये इसके इंडिविजुअल, ये मल्टीप्लाई. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी आती है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. सिमिलरली ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. सो ये भी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है. तो अगर हम किसी एक्स वाई का ट्रांसपोज, एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ये वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज. ये मैंने सब लिखवा रहे थे आपको, समझा रखे हैं थ्योरी में, कंसेप्ट्स में. सो आप उसके उससे गो थ्रू कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पता, ठीक है. सो ये आ गया. अब यहाँ पे क्या है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है. और ए ट्रांसपोज ये हमने लिख दिया, ये इसके इक्वल. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी पहले लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी ए, ये मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज मतलब आगे पीछे लिख दिया, ये कर सकते हैं. सो ये नेगेटिव फॉर्म लेने के बाद ये क्या हो गया, वेट, हाँ सही है, बी ए, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गया. तो यही है स्क्यू सिमेट्रिक. अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का आ जाता है, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इसके इक्वल आ गया. ये क्या अप्लाई कर रहा है, जैसे तो इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इसके इस मैट्रिक्स के नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के इक्वल आ गया. सो देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, ये प्रूव हो गया. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें हमें प्रूव करना है शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. तो हमें बताना है कि
बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंड कि ए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सो जो पहली चीज़ हम ले लेते हैं, पहले हम जब ए सिमेट्रिक होगा वो वाले केस के लिए ले लेते हैं, केस वन व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, तो उसके लिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे बी ए बी, इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा। हमने प्रॉपर्टी में सीखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, जैसे एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई का ट्रांसपोज है वो क्या होगा, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे फाइनली इस पे भी यही चीज़ अप्लाई होगी, तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा ब्रैकेट में अप्लाई होने के बाद, और ये क्या बचेगा, बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ओरिजिनल। ये भी प्रॉपर्टी वन थी, अगर आप ट्रांसपोज के टॉपिक पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, ये प्रॉपर्टी वन थी। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। तो अगर ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज ए है सिमेट्रिक लिया है, तो ये ए के इक्वल आ गया, तो हमें फाइनली क्या मिला, बी ए बी का ट्रांसपोज बी ए बी के ही इक्वल, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ फर्स्ट केस प्रूव हो गया। अब हम ऐसे ही सेकंड के लिए प्रूव करते हैं, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, कंडीशन ए ट्रांसपोज विल बी नेगेटिव ऑफ ए। तो अगर हम ये प्रूव करेंगे बी ए बी का ट्रांसपोज, तो सिमिलरली यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, सो अगेन यही प्रॉपर्टीज लगा देते हैं, एक्स वाई का ट्रांसपोज लेंगे तो वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज होता है, एंड बी का भी ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल के इक्वल आ जाएगा। तो सिमिलरली ये सारी अप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू पुट करने के बाद ए बी, तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिला, इसका ट्रांसपोज, ये रिजल्ट क्या मिला, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है, इसके नेगेटिव के इक्वल है, तो देयरफॉर ये चीज़ प्रूव हो गई, यहाँ शो हो गई, हेंस द, ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये शो करता है कि आपने अच्छे से आंसर किया है, फाइनली डन कर दिया है, तो सीबीएसई में करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर जो चेक करते हैं, ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। तो बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सो ये चीज़ हमने प्रूफ करके दिखा दी, ओके।